हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान न्याय। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट बाय किकी एंड दारूवाला। इस लेक्चर में हम सिर्फ ये टेक्स्ट डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, इसमें हम सिर्फ टेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ये जो लेसन है हम चार वीडियोज़ में बनाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद तीन पार्ट और आएंगे, ज़रूर देखना। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो आपका जो पैटर्न चेंज हुआ है नए बच्चों के लिए, जो 2020 के लिए जो है पैटर्न चेंज हुआ है इंग्लिश का, उस पैटर्न में जो है चनार सेकंड की बुक ही आएगी, यही सारे लेसन्स आएंगे। उस नए पैटर्न में उन्होंने फोकस किया है टेक्स्ट पे, टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अगर आप टेक्स्ट अच्छी तरह पढ़ेंगे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी निकलेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी निकलेंगे। तो आपको जो है अभी टेक्स्ट पे ज़्यादा फोकस करना था। तो लास्ट जो लास्ट 12th वाले थे, 2019 वाले, 2018 वाले, उनको क्या था, उनको क्वेश्चंस आते थे, क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करते थे। अगर क्वेश्चंस वो याद करते थे तो उनको जो है आराम से वो पास हो जाते थे। अब जो है आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट अच्छी तरह से पढ़ना है। ये जो लेसन्स हैं इनका टेक्स्ट जो है आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है, फिर ही आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। जो ग्रामर पैटर्न है, ग्रामर पैटर्न मतलब सेम ही है, सिमिलर ही है, ग्रामर में उतने चेंजेस नहीं आए हैं। जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में मतलब इस टेक्स्ट वाले लिटरेचर वाले पार्ट में बहुत चेंज आया है। लिटरेचर वाले पार्ट में जो पूरा पैटर्न है, पूरा पैटर्न मतलब चेंज हो गया है। उस ग्रामर में जो है ग्रामर सेम ही है और उससे ज़्यादा ईजी हो गया, उतना मुश्किल ग्रामर नहीं हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेक्स्ट को। लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट जो है ये एक लेसन है, इसको लिखा है किकी एंड दारूवाला, ये एक स्टोरी है। पहले हम मैं थोड़ा सा स्टोरी आपको बोलूँगा, स्टोरी है क्या। स्टोरी जो है ये एक पाकिस्तानी गर्ल और हिंदुस्तानी बॉय की है। इंडियन एक लड़का होता है जिसका नाम नजब है, वो पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान उसको प्यार होता है एक लड़की से के साथ, लड़की का नाम होता है फातिमा। बाद में वो कैसे एडवेंचर लाइफ है उस, कैसे वो एडवेंचर करता है, कैसे वो पाकिस्तान जाता है, कैसे उस लड़की को वो हिंदुस्तान लाता है, वो सब हम इस टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। इस लेसन का जो है, इस लेसन का फर्स्ट लाइन हम पढ़ेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे और अच्छी तरह आप समझना, अपने बुक से आप बुक निकालना, अपने टेक्स्ट वहाँ पर समझना। यहाँ से अगर सिर्फ ऑडियो सुनेंगे वो भी अच्छा रहेगा, आपको लाइन टू लाइन समझना है, क्योंकि आपका जो ये नया पैटर्न है पूरा टेक्स्ट बेस्ड है। टेक्स्ट आप अच्छी तरह पढ़ेंगे, अच्छी तरह समझेंगे तो आपका एग्जाम अच्छी तरह जो है आप एग्जाम में परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो अब हम जो स्टोरी मैंने थोड़ी सी बोली उसको हम पूरा लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। द ड्राउट इन कच्छ हैड लास्टेड फॉर 3 सक्सेसिव ईयर्स, इवन वेन द क्लाउड्स वर साइटेड दे पास्ड बाय इग्नोरिंग द स्ट्रिकन कंट्री। बोलता है यहाँ पे राइटर किकी एंड दारूवाला, बोलता है कि ड्राउट, ड्राउट क्या होता है, सूखा, अकाल जिसको बोलते हैं, ठीक है। अकाल पड़ा था कहाँ पे, कच्छ पे। कच्छ एक जगह है राजस्थान में, गुजरात के आगे, गुजरात के आगे वहाँ जगह है, उसको बोलते हैं, उसका नाम है कच्छ। बोलता है वहाँ पे क्या पड़ा था, ड्राउट पड़ा था। ड्राउट मतलब, ड्राउट होता है सूखा, सूखा पड़ा था कब से, 3 लगातार 3 सालों से सूखा पड़ा हुआ था, वहाँ पे बारिश नहीं हुई थी। बोलता है कि क्लाउड्स, इवन वैन द क्लाउड्स वर साइटेड, क्लाउड्स दिखते, साइटेड होता है दिखना, क्लाउड्स दिखते थे मगर वो जो है वहाँ पे बारिश नहीं आती थी। वहाँ पे मतलब क्या थे, वो कंट्री जो है पूरी मतलब हमारी हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान में ही उस टाइम, उस दौरान क्या था, पूरा ड्राउट पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था, ये राइटर बोलता है। द रान ले लाइक अ पैरालाइज मॉन्स्टर, बोलता है रान जो जगह है वहाँ पे गुजरात में, वो बोलता है वो रान जो है एक पैरालाइज, पैरालाइज बोलता है एक पैरालाइज किसको बोलते हैं, जो थोड़ा बीमार टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरालाइज का मतलब है बेबस था, वो जगह जो है बेबस थी। क्यों बेबस थी, क्योंकि बारिश बहुत समय से नहीं पड़ी थी, 3 सालों से वहाँ पे बारिश नहीं पड़ी थी, सूखा पड़ा हुआ था। लाइन टू लाइन अच्छी तरह समझना। द अर्थ हैड क्रैक्ड एंड इट लुक्ड एज इफ चंक्स ऑफ इट हैड बीन बेक्ड इन अ किल्न एंड देन एम्बेडेड इन द सॉइल क्रस्ट। तो यहाँ पे बोलता है कि अर्थ जो है, जमीन जो है उसको क्रैक्स हुए हैं, दरारे पड़े हैं, ठीक है। जब जब भी आप देखोगे आबी ज़मीन, देखोगे जहाँ पे आबी ज़मीन, जहाँ पे क्या बनता है, धान वगैरह बनता है, चावल जहाँ बनते हैं ना, पैडी जिसको बोलते हैं धान, वो क्या होता है, जब हम धान लगाते हैं उस टाइम वो वहाँ पे पानी होता है, जब बाद में सूख जाता है वहाँ पे कैसे दरारे पड़ जाते हैं, वैसे ही दरारे जो है बोलता है राइटर, वैसे ही दरारे पड़े हुए थे। और वो चंक्स, चंक्स होते हैं, वो जब दरारे पड़ते हैं चारों साइड, बीच में जो मिट्टी का चंक होता है उसको बोलते हैं चंक, चंक वो बेक्ड, बेक्ड मतलब वो मतलब क्या थे, बहुत सूखे हुए थे, ठीक है। इन्हें किल्न, किल्न मतलब एक जगह वहाँ पे मतलब जिसमें, जहाँ पे मिट्टी जो है सूख जाती है। और बोलता है
देन एम्बेडेड इन द सॉयल क्रस्ट, और फिर जो है लगता था कि ये जो है मिट्टी को हमने क्या किया है, उसको गोल गोल बना के हमने उस पर उधर रखा है, और वहाँ पे क्या हुआ है वो सूखा पड़ के जो है बहुत क्या हो गया, हार्ड हो गई वो मिट्टी, ठीक है। वैसा हाल हुआ था कहाँ पे, कच्छ में। राइटर बोलते हैं द कैटल बिकेम थिन एंड एमेसिएटेड, द ऑक्सन डाइड, द कैमल अलोन सर्वाइव्ड कंफर्टेबली फीडिंग ऑन द बाउल कैमल थॉर्न। बोलता है कैटल जो है क्या हो गए थे, पतले हो गए थे, मतलब डंगर जो है पतले हो गए थे, और ऑक्स जो है वो मर गए थे, मतलब बैल जो है वो मर गए थे। क्यों मर गए थे, बहुत मतलब सूखा पड़ गया था, पानी नहीं था, और सिर्फ कैमल, कैमल क्या था, ऊंट, ऊंट जो है सर्वाइव कर जाते हैं, ऊंट जो है मतलब गर्मी में भी सर्वाइव करते हैं, बहुत सूखा पड़ेगा तब भी सर्वाइव करते हैं। कैसे सर्वाइव करते हैं, एक बार पानी पी के रखते हैं लगभग 10-15 दिन उनको निकल जाते हैं, ठीक है। और क्या वो क्या खाते हैं, वो थॉर्न मतलब बुशेज खाते हैं, जो बुशेज होते हैं मतलब झाड़ियों के ऊपर जो पत्ते होते हैं वो पत्ते खाते हैं, पत्ते वो झाड़ियों के ऊपर पत्ते सूखे में भी बन जाते हैं, तो वो जो है सर्वाइव कर जाते हैं, कौन से कैमल सर्वाइव कर जाते हैं, बाकी एनिमल्स जो है उनको प्रॉब्लम हुई, ठीक है यहाँ तक। देन वन डे द क्लाउड्स रोल्ड इन एंड द लाइटनिंग क्रैक्ड एंड द क्लाउड्स बर्स्ट डाउ टू टीयर्स Tears have passed since the drought ended. Everyone remembers that it first rained on the day when Fatima entered the village. This is how she came to the village. बोलता है एक बार ऐसा हुआ, ठीक है, एक दिन, वन डे मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि रोल्ड होता है मतलब छाना, हम बोलते हैं बादल छा गए आसमान पे, रोल्ड होता है छाना, तो वहाँ पे बादल छा गए थे कहाँ पे, आसमान में। एक दिन क्या हुआ, बादल छा गए आसमान में और बादल गरजने लगे, लाइटनिंग मतलब गरजना, बादल गरजने लगे, क्या हुआ, बोलते अगरचे दाउ टू टीयर्स हैव पास सिंस द ड्राउट एंडेड, बोलता है बहुत साल बहुत टाइम हुआ था जो ड्राउट मतलब जब ड्राउट था, बहुत सालों से ड्राउट था वहाँ पे, मगर अभी जो है बहुत कुछ ही समय हुआ ड्राउट एंड होने, क्यों, क्योंकि हर बंदा जो है याद करता है जब वो ड्राउट कैसे ख़त्म हुआ, ड्राउट ख़त्म ऐसे हुआ जब फातिमा आई, ठीक है, एवरीवन रिमेंबर, हर बंदा याद रखता है ड्राउट कब ख़त्म हुआ, बारिश कब पड़ी, जब फातिमा एंटर हुई कहाँ पे, उस विलेज में, दिस इज़ हाउ शी केम टू द विलेज, और इसी तरह वो विलेज में आई। इस पैराग्राफ का मतलब ये है, राइटर जो है क्या करता है, आपको मतलब कम्प्रीहेंशन अप्रिसिएशन एप्लीकेशन आपको आएगा, तो आपको समझना है उसमें क्या है, उसमें आपको जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको पैराग्राफ के बेसिस पे पूछा जाएगा, लेसन के बेसिस पे पूछा जाएगा। इस पैराग्राफ में क्या बोलता है राइटर, एक कच्छ की डिस्क्रिप्शन देता है, कच्छ कैसा था, और दूसरा जो बोलता है कि वो ड्राउट कैसे ख़त्म हुआ था, जब फातिमा एंटर हुई थी हिंदुस्तान में, या उस विलेज में एंटर हुई थी, जैसे ही वो एंटर हुई 3 साल का ड्राउट जो है ख़त्म हो गया और बारिश पड़ी, ठीक है, सिंस ड्राउट एंड, बोलता है ड्राउट तब एंड हुआ जब फातिमा उस विलेज में एंटर हुई। यहाँ तक क्लियर। अब हम पढ़ेंगे व्हाट वुड ही नॉट डू फॉर हर द डॉटर ऑफ द स्पाइस सेलर, शी हु स्मेल्ट ऑफ क्लोव्स एंड सिनेमन, whose daughter and the timber of ankle bells, whose eyebrows were like black wisps of the night and whose hair was the night itself, for her he would cross the salt desert. यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे राइटर क्या बोलता है, बोलता है राइटर के जो वो फातिमा थी वो क्या थी, बहुत खूबसूरत थी। बोलता है what would he not do for her, he यहाँ पे किसके लिए है, नजब के लिए, ठीक है, ही किसके लिए, नजब, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोलूंगा आपको वैसे स्टोरी समझ आ जाएगी, ही नजब के लिए, बोलता है राइटर के नजब उसके लिए क्यों नहीं करता ऐसा, क्यों नहीं उसको हिंदुस्तान में लाता, वो किसकी लड़की थी, वो एक स्पाइस सेलर की लड़की थी, कौन, फातिमा, और बोलता है उसको शी हु स्मेल्ट ऑफ क्लोव्स एंड सिनेमन, और क्लोव्स और सिनेमन की बू आ रही थी उसको, वो खूबसूरत थी, इसका मतलब ये हुज लाफ्टर एंड द टिम्बर ऑफ एंकल बेल्स, बोलते वो हंसती थी जैसे गुलाब, जैसे फूल के पंखड़े दिखते हैं वैसे हंसती थी वो, उसकी स्माइल को जो है उसने क्या किया है, कंपेयर किया है एंकल बेल्स, एंकल बेल्स होता है फूल, जो फूल होते हैं आपने देखे होंगे वो, तो उसके आईब्रोज क्या थे, ब्लैक विस्प की तरह, और आईब्रोज जो है उस फातिमा के थे ब्लैक, बहुत ब्लैक थे जैसे नाइट की तरह थे, एंड उसके हेयर क्या थे, हेयर भी ब्लैक थे उसके, ठीक है, किसके, फातिमा के, फॉर हर ही वुड क्रॉस द साल्ट डेजर्ट, बोलता है उसी लड़की के लिए, उसी फातिमा के लिए उस बंदे ने क्या किया, साल्ट डेजर्ट जो है क्रॉस किया, कौन सा साल्ट डेजर्ट,
वही जो कच्छ का डेजर्ट था, वहां पे डेजर्ट क्यों था, सूखा पड़ा था, उस डेजर्ट को क्रॉस किया, पाकिस्तान में गया, वहां से उस लड़की को हिंदुस्तान ले आया, कौन, नजब। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, यहाँ पे आपको डियर स्टूडेंट्स ये पूछेंगे क्या बोलते हैं, सिमिली मेटाफर जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो भी पूछेंगे। लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे याद रखना, मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ाई है, आप देखना इस चैनल पे, उसमें मैंने ये पढ़ा के रखी है कि पोइटिक डिवाइसेस कैसे ढूंढते हैं, ठीक है, वहाँ पर उनको देखना। जैसे हुज आईब्रोज वर लाइक ब्लैक विस्प, उसकी आईब्रोज किसके साथ कंपेयर किया है, ब्लैक विस्प के साथ कंपेयर किया, यहाँ पे ये सिमिली यूज हुई है। इसी तरह जो मैंने आपको समझा के रखा है, आप देखना उस लेक्चर को, फिर आपको समझ आ जाएगा। ही हैड स्टेड द डे ऑफ काला डोंगर ए ब्लैक हिल कैप्ड विद बसल्ट द हाइएस्ट इन कच्छ। तो बोलता है राइटर कि वो जो है नजब, वो कहाँ पे रहा था, वो रहा काला डोंगर पे, जब गया था वो काला डोंगर पे रहा, एक जगह है काला डोंगर, वहाँ पे रहा, और ए ब्लैक हिल, बोलता ब्लैक हिल है वहाँ पे, क्या है, एक मतलब ब्लैक हिल पत्थर हैं, उस हिल पे क्या है, पत्थर हैं, पत्थर मतलब बहुत बड़ी हिल है वहाँ पे, बसाल्ट मतलब बड़ा रॉक, बहुत पत्थर, हाईएस्ट इन कच्छ, वो कच्छ में जो है हाईएस्ट जगह है काला डूंगर, वहाँ पे वो रहा, कौन, वो ही जब नजब उधर गया, उधर से गया था, उस काला डूंगर की जगह से गया था वहाँ पाकिस्तान। ही हैड सेट हिज कैमल अला रखा फ्री टू क्रॉप ऑन द बाउल ट्रीज। बोलता है जब वहाँ गया उसने क्या किया, अला रखा उसका क्या था, कैमल, ऊंट था, किसका, नजब का, उसने अला रखा को कहाँ पे छोड़ा, क्रॉप पे छोड़ा, वो बाउल ट्रीज खा रहा था। बोलता है एट डस्क ही पेड होमेज टू द फुटप्रिंट्स ऑफ पंचमाई पीर ऑन द हिल टॉप। बोलता है जब वहाँ गया उसने होमेज क्या होता है, रिस्पेक्ट, पूजा करना एक टाइप का। बोलता है वहाँ पे जो जब गया वो रात को गया, ठीक है, अंधेरा था, और वहाँ पे एक पंचमाई पीर की श्राइन थी, उस हिल टॉप पे उसने क्या, काला डोंगर वहाँ पे हिल टॉप काला डोंगर है ना, उस पे क्या था, एक पीर की जो है बैठक थी, तो वहाँ पे उसने क्या किया, एक पूजा की, एक तरह की मतलब रिस्पेक्ट की उसको, जैसे करते हैं। ही लेफ्ट सम फूड देयर एंड स्टार्टेड बीटिंग ऑन द थाली अकॉर्डिंग टू द कस्टम हेयर। बोलता है राइटर, बोलता है कि वो जो नजब वहाँ गया, जिस दिन वहाँ गया पाकिस्तान वो लड़की को लाने के लिए, उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने वहाँ पे फूड रखा, ठीक है, उस मतलब पंचमाई पीर के साथ में फूड रखा, और थाली को बीट करने लगा, थाली को ठक ठक करने लगा, ठीक है, वहाँ का रिवाज ऐसा ही था, जब जो भी वहाँ जाता था उस श्राइन पे वो वैसा करता था। इन ए फ्यू मिनट जैकाल्स अपेयर्ड फ्रॉम नो वेयर एंड गॉबल्ड अप द फूड। तो कुछ ही टाइम के बाद जैकाल्स जो है वहाँ पे आए, ठीक है, जैकाल्स एनिमल टाइप के होते हैं ना, तो उन वो वहाँ पे आए और उनने उस फूड को खा लिया, एकदम मतलब खा लिया। दिस वॉज अस्पीशियस इफ दे हैड नॉट टर्न टू द इफ दे हैड नॉट टर्न अप ही वुड हैव कंसिडर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ द ओमन सीरीज सीरियस इनफ टू हैव कैंसल द जर्नी। अगर ऐसा नहीं होता, उसने खाना वहाँ रखा होता, अगर वहाँ पे जैकाल्स नहीं आता, जैकाल उस खाने को नहीं खाता, तो वो माना जाता था उपशब्द, मतलब जिसको इल ओमन बोलते हैं, जो अच्छा नहीं है, मतलब वो सोचता कि मेरी जर्नी अच्छी नहीं होगी, वो वहाँ से वापस आता, कौन, नजब। मगर उसने क्या किया, जैकाल वहाँ पे खाना रखा, वहाँ पे जैकाल आया, उसने खा लिया, तो नजब ने सोचा कि भाई मेरी जर्नी अच्छी होगी। ए लैम्प वॉज लाइटेड इन इन द पीर्स आर एवरी नाइट ऑन द हिल टॉप एंड द फ्लेम कुड बी सीन ऑल द वे फ्रॉम खौदा। तो वहाँ पे जो है उसने लैंप जला के रखा, और उस लैंप की जो है लाइट जो है पूरे खौदा, एक वहाँ पे जगह थी, तो खौदा से पूरी दिखता था कि वहाँ पे जो है किसने लाइट रखा है, कहाँ पर लाइट रखा है उसने, पंचमाई पीर के पास, किसने रखा, नजब ने रखा। याद रखना ये करेक्टर, नजब भी याद रखना, ये जगह याद रखना, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में आपको, अभी जो है बहुत मतलब डिफिकल्ट एग्जाम होगा आपका। ओवर 100 ईयर्स अर्लियर द पंचमाई पीर हैड टच दी साल्ट वेस्ट सर्विंग द पीपल एकम्पनीड एज लेजेंड हैड इट बाई अ जैकाल। यहाँ पे राइटर बोलता है, कि राइटर के वहाँ पे जो जहाँ पे पंचमाई पीर के पास वो नजब था, वहाँ पे क्या हुआ था, बहुत सालों पहले, ओवर 100 ईयर्स, 100 सालों पहले लगभग क्या था, वहाँ पे पंचमाई पीर आया था, वहाँ पे बैठक थी उसकी, टच होता है चलना, वहाँ पे चला था उस जगह पे, और एकम्पनी होता है साथ, साथ में उसकी क्या थी, एक जैकाल भी था साथ में, ठीक है, एक जैकाल भी साथ में था, और वहाँ पे लोगों को क्या मतलब वहाँ से वो चला था, कौन, पंचमाई पीर। रिक्लूसिव बाई हैबिट ही यूज टू रिटायर टू थॉर्न जंगल्स वेयर अपार्ट फ्रॉम हीज वल्पाइन कंपेनियंस नन एल्स डेयर टू डिस्टर्ब हिज नॉक्चुरनल टेस्ट्स। यहाँ पे राइटर बोलता है रेक्लूसिव था अकेला, अकेला रहना,
लोनली नैना बोलता है कि वो उस पचमाई पीर क्या था, वो अकेला रहता था, उसकी हैबिट थी अकेले रहने की। वो कहाँ जाता था, जंगल की तरफ जाता, टायर टू थॉर्न जंगल, जंगल की तरफ जाता है। वहाँ पे जो है वल्पाइन होता है, जंगली जानवर, फॉक्स उसको बोलते हैं, तो फॉक्स के साथ वहाँ पे रहता, फॉक्स उसको देखते थे और फॉक्स उसके साथ चलते थे, और रात उसको कोई बाकी डिस्टर्ब लोग और डिस्टर्ब उसको कोई नहीं करता, नॉक्चुरल होता है, नाइट नाइट को वहाँ पे वो चलता रहता था। कौन पचमाई पीर, द कस्टम ऑफ फीडिंग द जैकल्स हैड लिंगर्ड सिंस देन। तो वो जो जैकाल को खिलाना, जैकाल वहाँ पे खाना रखना, किसने, नजम ने रखा था ना उस पचमाई पेड़ के पास खाना रखना, उस जैकाल ने खाना, तो वो जो है एक क्या था, एक कस्टम था, तब से जो है ये कस्टम जो है रखा गया था, जब से वो वहाँ से पचमाई पेड़ चला हुआ था। तो उसके बाद इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे, नज बाउड बिफोर द फ्लेम एंड सेट आउट, ही लेफ्ट बिहाइंड द कैमल थॉर्न श्रब्स एंड द एरिया वंस फेमस फॉर इट्स सहानास, इट्स स्लॉन्टेड ग्रास, बट नाउ सरे एंड ब्राउन एज द डेजर्ट। नजब जो है, नजब वहाँ पे झुका, उधर उसने जहाँ पे वो खाना रखा, वो लैंप जला के रखा, वहाँ पे झुका उस लैंप के सामने, और उसने जो ही लेफ्ट बिहाइंड द कैमल को कहाँ छोड़ा, श्रब्स की तरफ छोड़ा, वो श्रब्स को खाने लगा, एंड वो एरिया जो है फेमस हुआ करता था, ठीक है, जहाँ पे उसने कैमल छोड़ा था, अलारका को छोड़ा था खाने, घास खाने के लिए, वो ग्रेजिंग करने के लिए, वो एरिया पहले फेमस हुआ करता था, सवाना, सवाना होता था चरागों के लिए फेमस होता था, जहाँ पे घास होता है, स्टंटेड ग्रास, जहाँ पे ग्रास होता है, मगर अब क्या है वहाँ पे क्या हो गया है, डेजर्ट बन गया है वो, ठीक है, ब्राउन दिखने लगा और डेजर्ट हो गया है, बर्बाद हो गया, बंजर बन गई है वो जगह, क्यों, वहाँ पे ड्राउट पड़ा है। ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ऑल ह्यूमन हैबिटेशन, कुरान बीइंग द लास्ट विलेज। तो उसने जो है वो वहाँ से आगे चला गया और लास्ट पे एक विलेज आ गया, कहाँ, क्या आया, कुरान, कुरान एक जगह है वहाँ पे, ठीक, KURAN, ये कुरान पाक नहीं, होली कुरान नहीं, कुरान एक जगह है वहाँ पे, एक जगह वहाँ पे आई, वहाँ पे कौन का गया, नजब। फॉर द नेक्स्ट 3 डेज ही वुड नॉट बी सीइंग एनी बुगास, दोज वन रूम मड हाउसेज सर्कुलर एट द बेस, बट टेम्परिंग इन टू अ कॉनिकल थैश रूफ्स ऑफ द टॉप। यहाँ पे राइटर बोलता है कि जब उस कुरान जगह को उसने पार किया, मतलब उसको क्रॉस कर दिया, नजम ने कहाँ जा रहा था, पाकिस्तान जा रहा था, उसने जब क्रॉस किया, अब उसको वो भूंगाज नहीं दिखते थे, अब वो ऐसे, मतलब गांव में जाओगे दूर, मतलब चिरागों में जाओगे ना, तो वहाँ पे क्या होता है, मिट्टी के बनाए हुए घर होते हैं, मिट्टी के बनाए हुए घर होते हैं, ऊपर छोटा सा होता है, वहाँ पे जो मतलब कौन होते हैं, नोमैड्स होते हैं ना, नोमैड्स वो वहाँ पे जाते हैं, वो डंगरों को वहाँ पे रखते हैं, खुद भी रहते हैं कभी कभी उनको ग्रेजिंग कराने के लिए, तो वो भूगाज वहाँ पे नहीं दिखते, उसको उसने क्रॉस कर लिया, सर्कुलर बेस, मतलब उस तरह की वो जगह उसको अब नहीं मिलेगी, अब उसने उसको क्रॉस कर लिया। नाउ ओनली द सैंड स्ट्रेच्ड आउट बिफोर हिम माइल वन माइल, अभी उसको सैंड दिख रहा है, सैंड मतलब बजरी दिख रही है उसको, आगे आगे जा रहा है पाकिस्तान की तरफ। वाटर स्प्लैश इन द शुगर्स विद द नेम ऑफ द पीर ऑन हिज लिप्स, नजफ हुसैन सेट फोर्थ, बोलता है उसके हाथ में जो है शगल, शगल होता है एक, देखा होगा चंबड़ का होता है, तो पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा, एक बंदा होता है वो उसमें क्या होता है, चंबड़ का एक होता है उसका ठेला जैसा, उसमें पानी होता है, वो उसमें पानी निकाल के पीता है, तो वो उसने उठाया हुआ है और उससे पानी निकालता है, पानी पीता है, ठीक है, जैसे अलादीन मूवी देखी होगी आपने, अलादीन में क्या है, बंदा एक होता है उसमें, उसको होता है वो, बड़ी मूवीज़ में ऐसा होता है कि चंबड़ का होता है वो, तो उससे में पानी रखते हैं, बाद में जो जहाँ प्यास लगेगी वहाँ जो है पानी पीते हैं, तो उसमें उससे उठाता है वो उस शगल्स को, तो पानी पीता है और आगे पचमाई पीर का नाम लेते हुए आगे बढ़ता है, कौन, नजफ हुसैन, ठीक है, आगे पाकिस्तान की तरफ बढ़ता है। तो मैंने थोड़ी स्टोरी आपको पहले ही बोली, ये नजब की जर्नी है कहाँ पे पाकिस्तान अब जाएगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मज़ा आएगा सुनने को, जब नजब क्या करता है, वहाँ पे जाता है, वहाँ क्या करता है, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो इसके बाद वीडियो है पार्ट 2 में। आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।